told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है मेरे एक नए यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करने वाला हूं i7 प्लस स्मार्ट वॉच की। दोस्तों, मैंने i7 प्रो की अनबॉक्सिंग की है, i7 प्रो मैक्स की भी अनबॉक्सिंग की है, जो कि बहुत डिमांडेड वॉच है दोनों ही। लेकिन ज्यादा डिमांडेड कौन सी वॉच है आप सभी को पता होगा, i7 प्रो मैक्स, जो कि आज की वीडियो में मैं i7 प्रो मैक्स के बारे में बात नहीं करने वाला हूं। आज की वीडियो में हम बात करने वाला i7 प्लस, जैसा कि आपको दिख रहा होगा i7 प्लस स्मार्ट वॉच। तो आज के इस वीडियो में हम इस वाले वॉच की अनबॉक्सिंग करेंगे, रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि ये कहां किस हद तक लगभग कितना मैच करता है i7 प्रो मैक्स से। दोस्तों, ये देख ले, ब्लैक कलर के बॉक्स में हमें प्रोवाइड हुआ है। जबकि हम i7 प्रो मैक्स की हम बात करें, अभी मैं आपको दोनों दिखाता हूं। ये रहा आपका i7 प्रो मैक्स, देख लो आप, बिल्कुल दोनों सेम है, लेकिन कुछ कवर पेज चेंज है। ऊपर का जो कवर होता है वो कुछ चेंज है। यहाँ पे डबल फोटो आपको पिंक और ब्लू मिल जाती है, और यहाँ पे ब्लैक और सॉरी ब्लू और येलो के कवर पेज में आपको मिल जाती है। ये देखो आप फ्रंट पे, और पीछे आपको मैं दिखा दूं, यहाँ पे कुछ फीचर्स जो कि मेंशन है बैक साइड। और यहाँ पे हम i7 प्लस की बात करें तो यहाँ पे बिल्कुल क्लीन है, चिट है, नील है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस वाले वॉक्स की जो है कि अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, ठीक है। हम इसको i7 Pro Max को साइड में रख देते हैं, क्योंकि आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है i7 Plus, जो कि कुछ हद तक लगभग कॉपी है i7 Pro Max की। आप देख पा रहे होंगे कितनी जो कि अच्छे से इसको बना रखा हुआ है, पूरी पूरी बॉक्स की जो है कि प्रिंट कर रखा है उसकी कॉपी करके, लेकिन i7 Plus इसका नाम है ना, आप देख लो। तो आज की वीडियो में हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और हम इसकी रिव्यू देखेंगे और देखेंगे किस हद तक ये i7 Pro Max से मिलता है। क्या वो इसकी कॉपी है, क्या ये ओरिजिनल पीस है, क्या ये डुप्लीकेट पीस है, आखिर पीस कैसा है, तो सारा कुछ हम आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो करते स्टार्ट बिना किसी बकवास। तो दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ i7 प्लस, आप देख लें, ब्लैक कलर के बॉक्स में हमें प्रोवाइड हुआ है। यहाँ पे हमारे को मिल जाता है वॉच 7, ठीक है, और इसके बैक साइड बिल्कुल नील है, और यहाँ पे भी मिल जाता है हमारे को वॉच 7, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको बॉक्स से बाहर निकालते हैं। तो दोस्तों, हमने बॉक्स से बाहर निकाल लिया, हमें क्या क्या मिल जाती है एसेसरीज में हम देख लेते हैं। पहले सबसे पहले हमारे को मिल जाता है एक डायल, जो कि काफ़ी अच्छे क्वालिटी का होता है। एक मिल जाता है हमारे को मैग्नेटिक चार्जर, जिसकी लेंथ कुछ इंच होती है, ठीक है, मैग्नेटिक चार्जर मिल जाता है। उसके बाद हमारे को मिल जाता है एक स्ट्रिप, जो कि मैंने वाइट कलर का बुक किया था तो वाइट कलर का मुझे मिला, ठीक है। इसकी क्वालिटी की हम बात करें फिर भी ठीक ठाक है बजट के हिसाब से। और एक मैनुअल मिल जाता है, मैनुअल इसके अंदर है, ठीक। अब हम सबको रख देते हैं साइड में और पहले हम लगाते हैं इसमें स्ट्रिप, ठीक। तो दोस्तों, ये हमारा स्मार्ट वॉच बिल्कुल रेडी है। लगभग हमें लग रहा है कि i7 Pro Max ही है ये, लेकिन किसी कंपनी ने अपना जो है कि यहाँ पे i7 Plus कर दिया है और बॉक्स का जो कवर है वो चेंज कर दिया है, ठीक है। लेकिन i7 Pro Max ही है ये, बस इसमें एक इंस्टॉल है क्या, ये वाली वॉलपेपर, ठीक है। अब इसमें देखते हैं क्या क्या फीचर्स हैं। यहाँ पे जब हमने टच किया यहाँ पे, तो हमारे को मेनू स्टाइल मिल जाता है। इस वाले बटन को दो बार लगातार प्रेस करते हैं तो मेनू स्टाइल बदल जाता है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो आप, ठीक है। फिर दो बार प्रेस करेंगे तो बदल जाएगा, ठीक है, लगातार करना है। लेकिन जैसे इसमें मेनू स्टाइल दो है, ठीक, हम इस तरफ स्लाइड करते हैं तो क्या होता है, हमारा जो है वॉलपेपर चेंज होता है, ठीक है। नीचे की तरफ स्लाइड करते हैं तो मैसेज का आता है, लेकिन अभी नील है। उसके बाद ऊपर तरफ स्लाइड करते हैं तो यहाँ पे हमारे को कॉल का मिल जाता है, फोन बुक का मिल जाता है, यहाँ पे आपको मेनू स्टाइल मिल जाता है, यहाँ पे आप गाने सुन सकते हो, सेटअप, और यहाँ पे बारकोड मिल जाता है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या सेटिंग्स हैं, ठीक है, फीचर्स क्या क्या है। स्टेप का हमारे को मिल जाता है, हार्ट रेट का मिल जाता है हमारे को, बिल्कुल वही सब है यार, i7 Pro Max ही है। फोन बुक का मिल जाता है हमारे को, मैसेज का मिल जाता है हमारे को, उसके बाद हमारे को मिल जाता है डायलर का, रनिंग का, उसके बाद सीटअप का, जंपिंग, ठीक है, उसके बाद वेदर ही बताएगा इसमें, उसके बाद स्लिप का मिल जाता है, और लुकिंग फॉर का मिल जाता है हमारे को, म्यूज़िक, यहाँ से म्यूज़िक भी सुन सकते हैं, बिल्कुल वही सब है यार। रीसेट हम कर सकते हैं, मेनू स्टाइल दो मैंने बताया था पहले ही, कैमरा यूज करते थे स्टॉप वॉच, यहाँ से हम चला सकते हैं और यहाँ से रीसेट कर सकते हैं, क्लियर है। उसके बाद हमारे को मिल जाता है QR कोड, ठीक है, मोर पे जाएंगे तो हमारे को यहाँ पे मिल जाता है श्री अबाउट में, आपको मिल जाता है यहाँ पे वॉच का मॉडल नंबर, सेट लैंग्वेज यहाँ कर सकते हैं, सेट टाइम कर सकते हैं, उसके बाद सेट डेट और बैक लाइट, ये क्या है, हाँ ये बैक लाइट इसमें मिल जाता है, ठीक है।
उसके बाद जो, लेकिन हमारे को व्हाट्सअप कहीं नहीं दिखा यार। व्हाट्सअप, व्हाट्सअप भी हो गया, लुकिंग फॉर व्हाट्सअप कहीं नहीं दिखा यार। व्हाट्सअप 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 इंस्टॉल ना है क्या यार इसमें व्हाट्सअप? मीनू स्टाइल लुकिंग फॉर, नहीं नहीं व्हाट्सअप कहीं नहीं दिख रहा है। इसका मतलब इसमें जो व्हाट्सअप इंस्टॉल नहीं है, है ना, आप देख सकते होंगे इसमें व्हाट्सअप इंस्टॉल नहीं है, हमें अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आज की मेरी अनबॉक्सिंग वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना। चैनल पर पहली बार आई या सब्सक्राइब नहीं की हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। रखिएगा अपना ख्याल, नए वीडियो में तकलीफ हो।